दोस्तों, मोगरे के प्लांट पर अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो आज का वीडियो पूरा देखिए और ऐसा ही करिए, बिल्कुल फूलों से भर जाएगा प्लांट और खुशबूदार बहुत सारे फूल लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मोगरे के प्लांट के बारे में। बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके फूलों में और गर्मियों में बहुत अच्छे फूल देता है। तो जो आज मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, आप ऐसा करिए, अगर आपके मोगरे के प्लांट पर फूल नहीं आ रहे हैं, ये मेरा मोगरे का प्लांट है जिस पर बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं और ये बिल्कुल पीला हो रहा था, तो इसकी सारी जितनी भी ख़राब ब्रांच थी वो सब मैंने कट कर दी है। आपको दिख रहा होगा सारा सब, इसकी प्रूनिंग कर दी है मैंने अच्छे से। तो जो भी ख़राब ब्रांच हो या फिर पीली पड़ रही हो, उन सबको काट दें आप। उसके बाद गुड़ाई करें अपने प्लांट की। गुड़ाई करने के बाद उसमें गोबर की खाद डाल दें। गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक कोई भी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से इसमें गुड़ाई करने के बाद खाद दे दें और थोड़ी देर बाद इसमें आप पानी दे दें। तो ये सबसे पहला काम है, सबसे पहले प्रूनिंग, प्रूनिंग के बाद गुड़ाई करना। गुड़ाई करने के बाद इसमें आप खाद डालें और देखिए इस तरह से मैंने इसकी काफ़ी प्रूनिंग कर दी है। कुछ ब्रांची जो सही पत्तियाँ थी बस वही छोड़ी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ 15 दिन बाद का रिज़ल्ट। तो देखिए दोस्तों, 15 दिन बाद पौधे पर कितनी चमक आ गई है। और आज मैं फिर से इसकी गुड़ाई कर रही हूँ क्योंकि आज मैं इसमें फिर से फर्टिलाइज़र दूंगी। आज मैं मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र इसमें दूंगी। तो जब भी आप फर्टिलाइज़र दें उससे पहले इस तरह से गुड़ाई ज़रूर कर लें अपने प्लांट में। तो दोस्तों आप देखिए 15 दिन में ही प्लांट कितना सुंदर हो गया है। जहाँ से भी हमने कट किया था नई ब्रांच निकल आई हैं और एक आध तो कली भी आ गई है। तो इस तरह से इसमें बर्ड्स बनना शुरू हो गई हैं। तो अभी है फर्टिलाइज़र का टाइम, तो फर्टिलाइज़र दे देंगे। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। चाहे तो आप जो गोबर की खाद है वो भी दे सकते हैं गुड़ाई करने के बाद 15 दिन में। तो आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कोई भी खाद हो आप उसका यूज़ करें। लिक्विड खाद थोड़ा ज़्यादा अच्छी रहती है, जितने भी प्लांट्स हैं फूल वाले जल्दी से असर करती है, इसलिए मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया रहता है। गर्मियों में आप इसको बिल्कुल पतला घोल बनाएं, 20 लीटर पानी में मिला लें इसको, 1 लीटर को बिल्कुल पतला होना चाहिए इसका घोल, और इस तरह से आप अपने प्लांट में दे दें। तो आज 15 दिन बाद मैं दे रही हूँ ये, और बीच बीच में जब मिट्टी सूख जाए तो पानी देते रहें। धूप तो कम से कम इसको 4 से 5 घंटे ज़रूर चाहिए। तो पौधे पर काफ़ी चमक आ गई है, अभी और वेट करते हैं। 20 दिन बाद का आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ, तो देखेंगे इस पर फूल आते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके मोगरे के प्लांट पर, चमेली के प्लांट पर फूल नहीं आ रहे हैं तो इस तरह से करके देखिए, अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। 20 दिन बाद पौधे की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है और आज मैं पानी दे रही हूँ। तो बीच बीच में जब भी मिट्टी सूखे तभी आप इसमें पानी दें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। और ज़्यादातर जितनी भी ब्रांच हमने कट की थी वहाँ से 2-2 ब्रांच निकली हैं और सभी पर बहुत सारी कलियाँ भी आ रही हैं। तो दोस्तों आज पूरे 25 दिन बाद इस पर फूल खिल गया है, बहुत खुशी हो रही है। तो फूल अभी शुरुआत है, अभी तो इस पर गुच्छों में फूल आएंगे क्योंकि गर्मियों में बहुत अच्छे फूल देता है ये और इतनी अच्छी खुशबू होती है इसके फूल में कि बस पूछिए मत। तो अभी जितनी भी ब्रांच इस पर नहीं आई हैं सभी पर कलियाँ आ रही हैं, बिल्कुल गुच्छों में फूल आएंगे। अभी शुरुआत है इसलिए फूल थोड़ा छोटा है। जैसे जैसे अभी हम इसमें और फर्टिलाइज़र देंगे हर 15 दिन में रेगुलर, तो इसके फूल का साइज़ भी बड़ा होगा और फूल भी ज़्यादा आएंगे। तो आप देखिए जितनी भी ब्रांच थी, आपको दिखाती हूँ, सभी पर देखिए कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो ये होता है थोड़ी सी मेहनत करने का रिज़ल्ट। तो इस तरह से अगर आपके मोगरे के प्लांट पर, चमेली के प्लांट पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप ये जो प्रोसीजर है पूरा ही करके देखिए, बहुत बढ़िया अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर किसी तरह का कीड़ा लग जाता है प्लांट पर तो आप नीम की पत्तियों से कोई भी पेस्टिसाइड बना सकते हैं, नीम की पत्तियों से या फिर लहसुन से, इन चीज़ों का यूज़ करिए अपने पौधों पर, तो ये कीड़े वगैरह भी बिल्कुल नहीं लगते। तो दोस्तों आज का वीडियो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय सियाराम, थैंक यू वेरी मच।